धोखे देने में तो बड़े होशियार है ना, गौरफा ना मकान ना लिया, मकान मैं लिए मकान कहते हैं हमें खाने को, आस्थाने को जहाँ ये बैठकर धुआं भंग करते हैं। मतलब बदलने में, तारीफ करने में तो इनका कोई जवाब नहीं है ना। यहाँ तक के एकाकुल हक में कौल है हजरत शेखैन रजी अल्लाह तआला हुमा के मुतालिक, हुमा इमाम ने आदिलान कासतान काना अल हक व माता अलैहि फालिहि मा रहमतुल्लाह यौम अल कियामत। इमाम ने आदिलान कासतान काना अल हक व माता अलैहि फालिहि मा रहमतुल्लाह यौम अल कियामत। कितने वाज़े अल्फाज हैं, तारीफ है तो ही तारीफ है ना, कि अबू बकर उमर रजी अल्लाह नुमा दोनों इमाम थे, आदिल थे, इंसाफ वाले थे, हक पर थे और मौत तक हक पर रहे और कयामत में उन पर अल्लाह की रहमत हो। जब हम ये पेश करते हैं हजरत मौसवी साहब दामद बरकात हूँ आलिया ने एक मतलब पेश किया इसको एकाकुल हक से, तो इस्माइल गुजरवी ने इसका माना किया, इमाम मां ने यानी वो नाहक के बातिल के पेशवा थे, आदिलाने हक से फिरने वाले थे, कासताने जालिम थे, काना अलल हक थे वो काबिज थे हक पर, माता अलह मौत तक हक पर काबिज रहे, इन हक तो अली का था ना खिलाफत, ये उसको काबिज रहे, तो अलहमा रहमतुल्लाह यौमुल कयामत, कयामत में उन पर अल्लाह की रहमत चढ़ जाएगी या रहमतुल्लाह अलैहिम ने पकड़ देंगे। ये उसने तर्जमा किया था, जिस भी शेख ने फिर वो मिसाल सुनाई थी कि आमन तो बिल्ला आ गया बिल्ला, वो मलाई करती वो मलाई खा गया, कुत्तों की ही और सुनी उसके कुत्ते छोड़ दिए गए, रस्सियों से बांध दिया गया, बोले यो मिला आखिरी उसका आखिरी दिन। इधर इस्माइल का माना इस तरह है। हुँ?